धमाके के साथ घर में फटा सिलेंडर, चार बहन। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अभिषेक मिश्रा गिरफ्तार। यह रेलवे ट्रैक है जानलेवा, अक्सर मिलती है लाशें। अब जान बचाने के लिए लोगों ने उठाई आवाज, तो अब देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली राजधानी के मॉडल टाउन इलाके के एक घर में सिलेंडर के फटने से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, बाद घर में आग लग गई। इस ब्लास्ट में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। इन घायलों को हिंदुराव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सुबह खाना बनाने के लिए माचिस जलाते ही घर में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में घायल चार में से दो की हालत नाजुक बनी हुई है। घर में दो कमर्शियल छोटे सिलेंडर रखे हुए थे, जैसे ही माचिस की तीली जलाई तो अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। नई दिल्ली सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखने के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भोपाल से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अभिषेक मिश्रा के रूप में की गई है। उसने खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट बताया है। वही सूत्रों का कहना है कि वह कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होने के तो कभी चोरी लूटपाट जैसी घटना होना, यहाँ मानो आम बात हो गई। स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाए या फिर अंडरपास बने, चाहे इसे दिल्ली सरकार बनवाए या फिर रेल प्रशासन। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर यहाँ ट्रेन से कुचल कर लोगों के मौत का खेल चलता है। यहाँ महीनों में दर्जनों लोग मरते हैं और कुछ लोगों के कटने के बाद शव की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाती। उनकी पहचान के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस